हम लोग जब भी कोई कथा होती है, जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो चार नारे लगाते हैं। जरा मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हमने धर्म की जय होने पे ध्यान दिया, प्राणियों में सद्भावना होने पे ध्यान दिया, विश्व का कल्याण होने पे ध्यान दिया, एक ही चीज पे ध्यान नहीं दिया, किस पे? अधर्म का नाश हो। अब आप बताओ, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना विश्व कल्याण हो सकता है क्या? तो मैं अधर्म का नाश कैसे हो, इसी बात को लेके पूरे देश में घूम रहा हूं। पिछले साल 115 जिलों में गया था, इस साल भी 125 जिलों का हमने लक्ष्य रखा हुआ। 2023 में केवल एक शनिवार और एक रविवार हम अपने घर में थे, क्योंकि वो रविवार दीपावली थी। 51 रविवार, 51 शनिवार मैं घूमता रहा, मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में। हमारे पतन का कारण यही है कि हमने अधर्म का नाश कैसे हो इस पे चिंतन नहीं किया। भारत में लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा पद है? राष्ट्रपति का। भाई राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। क्या राष्ट्रपति इस हाल में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को दो थप्पड़ मार सकते हैं क्या? मार सकती हैं क्या? लेकिन कानून इस हाल में किसी बैठे हुए व्यक्ति को फांसी भी दे सकता है। क्या भारत की राष्ट्रपति इस हाल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपने घर में दो दिन जबरदस्ती बैठा सकती है क्या? लेकिन कानून 20 साल के लिए जेल में बैठा सकता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या हुआ? फिर से जोर से बोलिए, राष्ट्रपति या कानून? देश किससे चलता है? किसका राज है? ये तो हम लोग अलग कहते हैं, मोदी राज है, भाजपा का राज है। राज किसका है? जिसका राज है वही घटिया है, दुर्भाग्य है। जिसका राज है वही घटिया है। और हम किसको मजबूत कर रहे? हम उसको मजबूत नहीं कर रहे जिसका राज है। हम किसको मजबूत कर रहे हैं? या तो एनजीओ मजबूत कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों को मजबूत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, और सब मजबूत हो भी रहे। एनजीओ की संख्या बढ़ रही है, नेताओं की संख्या बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टियों के ट्विटर फेसबुक पे फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं। सब कुछ बढ़ रहा है कि नहीं? और ये बताओ, घूसखोरी बढ़ रही है कि नहीं? जितने कथावाचक, जितने महामंडलेश्वर भारत में हैं, जितनी राम कथा कृष्ण कथा होती है, उसके हिसाब से तो भारत में कोई अपराध होना ही नहीं चाहिए। घूसखोरी खत्म हो जानी चाहिए, जमाखोरी खत्म हो जानी चाहिए, मिलावटखोरी खत्म हो जानी चाहिए, नशा तस्करी खत्म हो जानी चाहिए, मानव तस्करी खत्म हो जानी चाहिए, सोना तस्करी खत्म हो जानी चाहिए, आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए, अलगाववाद खत्म होना जाना चाहिए, कट्टरवाद खत्म हो जाना चाहिए, जिहाद खत्म हो जाना चाहिए, मजहबी उन्माद खत्म हो जाना चाहिए, धर्मांतरण खत्म हो जाना चाहिए, घुसपैठ खत्म हो जाना चाहिए, सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म हो जाना चाहिए, दंगे खत्म हो जाने चाहिए। कुछ कम हो रहा है क्या? कुछ कम हो रहा है? अच्छा, ये जो जो भारत में हो रहा है, इसमें से कोई भी एक अपराध चीन में होता है क्या? जोर से बोलिए, इसमें से कोई एक अपराध सिंगापुर में होता है क्या? जापान में होता है क्या? बाकी छोड़ दो, दुबई में होता है क्या?
तो फिर भारत में क्यों हो रहा है? भारत में तो सब है, 25 लाख एनजीओ है, कम से कम 5,000 कथावाचक महामंडलेश्वर आचार्य हैं, 2,000 पॉलिटिकल पार्टियां, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी भारत में 2,000 पॉलिटिकल पार्टियां, नेताओं के पूछे नहीं, अनगिनत संख्या, 5,000 तो सांसद विधायक हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। तो कुछ कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिसका राज है वही घटिया है। धर्म की जय तो हो रही है, कोशिश की जा रही है धर्म की जय करने के लिए, लेकिन धर्म की जय नहीं हो रही है। हल्द्वानी में देखा धर्म की जय हुई कि अधर्म का अधर्म बढ़ा है? क्या हुआ हल्द्वानी में? देखा होगा टीवी पे आपने, बढ़ रहा है कि नहीं? सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और पुलिस जा रही है हटवाने, तो मार मार के मुंह लाल कर दिया नहीं? कभी आपने सुना फ्रांस में किसी ने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया? कभी आपने सुना दुबई में किसी ने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया? कभी आपने सुना चीन में किसी ने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया? अच्छा, ये जो समस्याएं हैं, हमारे पास परमाणु बम है उससे ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए। हमारे पास राफेल है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, उससे ठीक हो सकती है क्या? भारत में लोकतंत्र है, भारत में कानून का राज है, अधर्म का नाश कानून के जरिए ही हो सकता, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 11 कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। पिछले 75 वर्ष में आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। तो कानून अच्छा है कि कानून घटिया है? संविधान कहता है कानून बनाओ, नागरिकता देने वाला भी नागरिकता लेने वाला भी। और नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में, उसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। लेकिन आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई। मतलब आपने सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है कि भाई कोई इधर उधर आए तो उसको मारना पीटना, और कोई जबरदस्ती अंदर घुसा है तो उसको बाहर निकाल देना। कानून यही होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड काम ही नहीं करता। जब तक अधर्म का नाश करने के लिए भारत में दंड व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक भारत में न अराजकता कम होगी न अपराध कम होगा। आज तक किसी की न किसी अलगाववादी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी मिशन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी घुसपैठिए की नागरिकता खत्म हुई, न किसी आतंकवादी की नागरिकता खत्म हुई। तो काहे का कानून? ये हल्द्वानी जैसी घटना इसलिए होती है कि भारत का कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर कानून हो कि किसी ने अगर रेलवे की जमीन पे या सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया तो 10 से 20 साल की सजा मिलेगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और नागरिकता खत्म होगी, और यह सब एक साल के अंदर होगा। किसी की हिम्मत है सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने की? अगर कानून हो कि अगर किसी लेखपाल पटवारी कानून को तहसीलदार पेशकार थानेदार हवलदार ने रिश्वत लिया, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे और 20 से 50 साल की सजा देंगे, वो भी साल भर के अंदर, घुसखोरी रहेगी बचेगी क्या? घुसखोरी चलेगी क्या? अरे इस देश में जो समस्या है उसका मूल कारण यह है, घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था।
आप धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए और साल भर के अंदर 20 से 50 साल सजा दीजिए। है कोई हिम्मत किसी की जो धर्मांतरण कराने की जरूरत करेगा? अवैध घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाइए जैसे सिंगापुर ने बनाया, कि अगर इलीगली आए और 3 महीने से ज्यादा रुक गए तो 50 साल के लिए जेल में डालूंगा, और वो भी साल भर के अंदर। एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा, एनआरसी लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे भाग जाएंगे यहां से, सारे भाग जाएंगे। और कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? तो आप सोच रहे होंगे कानून बन क्यों नहीं रहा, ये सवाल चल रहा होगा कुछ लोग मन में। चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा।